हेलो। हेलो। हाँ, मेरा बात सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम ऑन पेज बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उस दिन थोड़ा इंटरनेट का जी प्रॉब्लम था तो हाँ इसीलिए जी शेयर कर नहीं पाया। हाँ जी सर। तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? अभी नहीं, 1 मिनट आ रहा है बस। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है। तो डिटेल में ऑन पेज में बारे में बोलूँगा। तो ऑन पेज, हाई ऑन पेज इज नेसेसरी। ठीक है। तो ठीक है। हाँ, तो एसईओ में क्या होता है कि 2016 हम लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक जनरेट करने के बाद वेबसाइट रैंकिंग हो जा रहा था। ठीक है। अभी क्या हुआ, वेबसाइट में ऑन पेज में कोडिंग इशू हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कीवर्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वेबसाइट का मतलब विदाउट ऑन पेज यू कैन रैंक एनी वेबसाइट। ठीक है। तो ऑन पेज का जो इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन पेज का इश्यू जानने के लिए एक टूल है, उसका नाम है urank.com। ठीक है। ये एक टूल है, इस टूल से हम एनालिसिस कर सकते हैं ये वेबसाइट का क्या इशू। मैनुअली भी हम चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का digitaltalent.co.in। हमारा वेबसाइट भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट का मतलब पॉइंट कितना है, 100 से कितना क्वालिटी है वो देख सकते हैं। और उसका टाइटल टैग ठीक सही है या नहीं, गलत है। जैसे कि टाइटल टैग एज पर द एसईओ रूल, टाइटल टैग शुड कंटेन विद इन 90 कैरेक्टर एंड कंटेन सम रिसर्च कीवर्ड, वो भी हो सकता है। जैसे कि इसमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो इम्प्रूव ऑप्शन आएगा, और डिस्क्रिप्शन में वो ग्रीन कलर आएगा तो पास, इसका मतलब है वो ठीक है। ऐसे नहीं ठीक कि, हाँ ऐसे नहीं है कि टूल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, टूल भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो हमको मैनुअली थोड़ा कंफर्मेशन होना चाहिए। और उसमें ऑल्ट में कुछ इमेजेस मिसिंग है या नहीं है, ऑल्ट टैग, और उसमें रोबो डॉट txt फाइल अवेलेबल है या नहीं है। सपोज इधर हम मैनुअली कैसे चेक करेंगे रोबो डॉट txt, सपोज robots रोबोट्स डॉट txt, तो ये अवेलेबल है, ये ठीक है। ठीक है। जैसे कि साइड में आप XML, साइड में आप XML, तो ये अवेलेबल साइड में आप XML है। ठीक है। तो ये ठीक है। अभी इसमें साइड मैप XML अवेलेबल नहीं है, तो इसमें लिखा है नो साइड मैप फाउंड इन रोबोटिक, दिस इज द वेबसाइट फॉर digitaltalent.co.in। ठीक है। तो अभी हम उसका मोबाइल स्पीड भी चेक कर सकते हैं। सपोज मोबाइल स्पीड, मोबाइल में स्पीड चेक कैसे करेंगे, एक है टूल है पेज इनसाइड। ठीक है। पेज इनसाइड में हम क्या करेंगे, इसमें जाकर हमारा वेबसाइट को इधर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं ये वाला तो सुपर वीजा, ये वाला चीज़ मैं मनीष जी के साथ बातचीत किया हूँ, तो ये वाला जो साइट का इम्प्रूवमेंट है वो डेवलपर के साथ बातचीत करेंगे, उसका स्पीड हम इंक्रीज करेंगे। इसमें थोड़ा डेस्कटॉप में स्पीड ठीक ठाक है, मोबाइल में थोड़ा स्लो है, वो इमेज विमेज कंप्रेस होगा तो ठीक आ जाएगा। तो अभी ठीक दिख है। हाँ तो अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए, अभी अभी मोबाइल में स्पीड बहुत ख़राब है, डेस्कटॉप में स्पीड 71 ठीक ठाक है। डेस्कटॉप स्पीड योर 52 89 स्पीड इज योर एवरेज स्पीड, और बिलो बिलो 0 to 49 इज स्लो स्पीड, एंड फास्ट स्पीड इज 90 to 100। बट 70 80 इट्स ओके। 70 ये 65 66 65 समथिंग था, इसको मैं 71 कर दिया। तो हाँ, मैं उसमें थोड़ा डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू, मोबाइल में थोड़ा कंप्रेस इमेज, इमेज का जो साइज है ज़्यादा है, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए देखिए इधर लिखा है। देखिए ये वाला जो बैनर ना है, इसका इसका साइज है 180 KB, उसका रिक्वायरमेंट हिसाब से उसका साइज बड़ा है, तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें 1.5 सेकेंड का रिड्यूस हो सकता है टाइम, हम देख रहे हैं इधर। तो ये इसको हम रिड्यूस कर दे, तो डेवलपर वो करेगा, वो डेवलपर के साथ मैं बात करूंगा, वो हो जाएगा। और एक है अननेसेसरी जो सीएसएस है,
अननेसेसरी सीएसएस है उसका जो टाइमिंग है तो 2.1 सेकेंड हम रिड्यूस कर सकते हैं लोडिंग का. ठीक है, तो अननेसेसरी बेस जेएस फाइल सीएसएस फाइल का जो टाइमिंग है ओके बी कास्ट फाइल, तो अनयूज्ड सीएसएस फाइल, तो ये सब कुछ हम मैनुअली रिड्यूस करेंगे तो कोड को जाकर तो उसका टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा. तो टाइम रिड्यूस होगा तो लोडिंग ज़्यादा होगा, तो लोडिंग ज़्यादा होगा तो ये वाला चीज़ बढ़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, इसको बोलते हैं मोबाइल स्पीड. तो अभी डेस्कटॉप में ठीक ठाक स्पीड है, डेस्कटॉप में ठीक ठाक चल रहा है, मोबाइल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर यू आर गेटिंग फ्रॉम मोबाइल. ठीक है, क्योंकि मोबाइल मैक्सिमम लोग यूज करते हैं क्योंकि सिस्टम खोलने के लिए लोग के पास टाइम नहीं है. सो मोबाइल देखिए, मोबाइल स्पीड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तुम्हारा वेबसाइट में बाउंस रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो बाउंस रेट क्या है, सपोज हेलो, हाँ जी सर, हेलो हेलो, हाँ, तो बाउंस रेट, बाउंस रेट होता है ना आपका वेबसाइट का, एक कस्टमर विजिट कर रहा है कीवर्ड से, तो वेबसाइट जितना टाइम ज़्यादा रहेगा तुम्हारा बाउंस रेट उतना टाइम घटेगा. तो बाउंस रेट ज़्यादा है एक वेबसाइट का मतलब है इसका वेबसाइट में मतलब पेज लोडिंग स्पीड बहुत स्लो है, पेज लोडिंग स्लो है. ठीक है, तो बाउंस रेट को घटाना पड़ेगा. बाउंस रेट घटेगा कैसा, मोबाइल स्पीड को हाई करना पड़ेगा, ये वाला स्पीड को हाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसका जो स्पीड अभी लोडिंग का स्पीड जो स्लो हो गया उसको थोड़ा इंक्रीज करना. तो ये वाला हो गया मोबाइल स्पीड. तो इसको बोलते हैं कस्टम 404 पेज. कस्टम 404 पेज मीन्स सपोज दिस इज आवर वेबसाइट, समवन डोंट नो आवर वेबसाइट और एनीथिंग पेज वी हैव क्रिएटेड दैट पेज इन फ्यूचर दैट पेज डिलीटेड. सो सपोज दिस इज द पेज वी हैव क्रिएटेड नाउ लाइक टेस्ट एंड इट वॉज इट विल बी डिलीटेड आफ्टर 2 मंथ देन आफ्टर क्लिकिंग दैट यू आर एल इफ दैट पेज रिडायरेक्टिंग टू यूर 404 पेज फाउंड दिस इज द 404 पेज. ओके, अप्लाई करके भी एक मतलब नॉन फाउंड यू आर एल वी आर गेटिंग एरर 404. ओके, and also getting additional pages, footer, header, okay, so so it's known as 404, it's also available, okay, and or Google Analytics, ठीक है, Google Webmaster Tool Analytics कैसे apply करें, Google जो Analytics Webmaster Tool होता है, ये Google Webmaster Tool का console होता है, ठीक है, गूगल वेबमास्टर टूल हम अप्लाई कर दिए थे उस दिन योस्ट एसईओ से. तो योस्ट एसईओ एसईओ में एक हम प्लगइन डाले हैं, तो उसमें एक आईडी आता है, मैं दिखाता हूँ आपको वो वाला लॉगिन. ये वर्डप्रेस का लॉगिन है. ठीक है, ये वाला प्लगइन डाला हूँ मैं वेबसाइट में, ये एसईओ का प्लगइन है. ठीक है, इसमें लिखा है वेबमास्टर टूल, लिखा है कि वेबमास्टर टूल. ठीक है, तो उसमें एक मैं आईडी डाला हूँ, ये वाला आईडी देखिए आप. ठीक है, ये वेबमास्टर टूल का आईडी इधर जनरेट होता है गूगल. ठीक है, ये वाला वेबमास्टर टूल, वेबमास्टर टूल का कंसोल है ये, तो उसमें थोड़ा हम साइन करते हैं. तो व्हाई वेबमास्टर टूल नेसेसरी, वेबमास्टर टूल ये वाला मेरा दूसरा वेबसाइट है, बहुत सारा वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट में अप्लाई किया हूँ. देखिए, आफ्टर मैं जब एसईओ स्टार्ट किया हूँ तो कुछ कुछ ट्रैफिक आ रहा है. देखिए, अब देख रहे हैं जनवरी 13 को 66 क्लिक आ रहा है, अभी एक महीना पहले कुछ नहीं आ रहा था, अभी कुछ कुछ ट्रैफिक आ रहा है. ठीक है, परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं. देखिए, परफॉर्मेंस में 32 क्लिक्स हो गया, मतलब बिफोर 3 मंथ में अभी दिखाता हूँ लास्ट 28 डेज. ठीक है, एक महीने में कितना, एक महीने में 27, मतलब 3 महीने में 32 क्लिक्स,
मैं डेढ़ महीना में काम शुरू किया हूँ तो अभी 27 क्लिक हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है वेबसाइट में कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसमें देखिए क्लिक आ रहा है, सुपर वीजा इंश्योरेंस में 2 क्लिक आ रहा है, इसमें सुपर वीजा प्रोसेसिंग टाइम में 2 क्लिक आ रहा है, सुपर वीजा कनाडा प्रोसेसिंग टाइम में 2 क्लिक आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है। इंप्रेशन मतलब गूगल सर्च इंजन में दिखा रहा है, ठीक है, कंट्री हिसाब से कनाडा से आ रहा है 20 क्लिक, इंडिया से 4 क्लिक आ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट में 1 क्लिक आ रहा है, कनाडा में 1200 इंप्रेशन रेट है, ठीक है। तो सर ये इंप्रेशंस क्या होता है? इंप्रेशन मतलब तुम्हारा वेबसाइट में कितना बार शो कर रहा है, इसको बोलते हैं इंप्रेशन। दिखा रहा हूँ, सपोज मैं क्लिक करूँगा ऐसे पिज्जा स्टोर इन पंजाब चंडीगढ़, पिज्जा स्टोर इन, तो आपका ये वाला जो है इसको बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है, और ये जो वाला चीज आया है ना तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन रेट, कितना बार आपका सर्च इंजन में शो किया। और 12 o'clock क्लिक मतलब आपको इसको इसको इसे जो करते हैं इसको बोलते हैं क्लिक, समझ रहे हैं। तो ये वाला है इंप्रेशन, हाउ मच टाइम योर वेबसाइट शो इन योर सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, एंड क्लिक हाउ मेनी टाइम यू हैव क्लिक, आई मीन कस्टमर क्लिक ऑन योर वेबसाइट क्लिक। तो इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, बैकएंड में सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्या वेबसाइट का परफॉर्मेंस हुआ। मैं जो एसईओ का काम करता हूँ अपेज, तो ये सब देख के करता हूँ। तो अभी तो और एक चीज़ है आपका साइड मैप, साइड मैप को आप इधर भी सबमिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कुछ। देखिए साइड मैप का मैं जो सबमिट किया था January 14, 2019, इसमें इंडेक्स हुआ है। अभी देखिए इसको थोड़ा बैक करता हूँ, देखिए सबमिटेड हुआ December 14, 2018, लास्ट रीड बाय द गूगल इज January 14, 2019, स्ट्रैटेजी सक्सेस। यदि कुछ प्रॉब्लम है साइड मैप एक्सेल में, कुछ गलत है तो इसमें स्टेटस में थोड़ा एरर आता, तो URL 73 URL ऑलरेडी सबमिटेड हुआ है, सक्सेसफुल सबमिटेड हो गया। तो ये सब कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल यूजिबिलिटी, तो ये सब कुछ इधर हम देख सकते हैं, कीवर्ड को एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस में हम पर्टिकुलर कीवर्ड को हम एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला इसको हम देख सकते हैं कब क्लिक आया, कौन सा डेट में क्लिक आया, इंप्रेशन रेट है, ये क्लिक है, एक्सक्यूज मी, तो ये वाला क्लिक है, तो ये सब कुछ देख सकते हैं, 2 क्लिक आया है ऊपर बीच में। तो दिस इज द गूगल कंसोल, गूगल सर्च इंजन कंसोल, इसको बोलते हैं ओएमएसटर टूल, हाउ टू इंटीग्रेट ओएमएसटर टूल, वी हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट गूगल यूएसटी एसईओ, आफ्टर दैट वी विल गेटिंग अ टैब ओएमएसटर टूल्स, वी हैव टू इंसर्ट द आईडी, व्हेन यू विल गेट द आईडी, व्हेन यू विल ऐड द वेबसाइट नेम, यू विल गेट दैट टाइम यू विल गेट द आईडी। सपोज मैं इधर एक नया वेबसाइट ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ऐड प्रॉपर्टी करूँगा, ऐड प्रॉपर्टी वेबसाइट ऐड करूँगा, वेबसाइट ऐड कर ले तो वो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर आईडी को लाकर इधर डालना है, तो उसको इधर स्वाइप चेंजेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली इधर वेरीफाई हो जाएगा वेबसाइट, तो वेरीफाई होकर इधर दिखाएगा। मैं 3 वेबसाइट डाला हूँ, ये मेरा एक वेबसाइट है, मेरा सार सॉफ्टवेयर है, आपका वेबसाइट और एक क्लाइंट का वेबसाइट, तो ये सब हुआ है। उसके बाद ये है कैसे टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, एसईओ में। तो पहला जो चीज़ है आपका वेबसाइट में टाइटल टैग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वर्डप्रेस में इसको मैं एडिट क्लिक किया पेजेस में, ये होम पेज है, हाँ ये होम पेज आ गया। उस दिन पूरा नेट स्लो बहुत था, कुछ नहीं आ रहा था, हाँ ये होम पेज आ गया, आज बहुत जल्दी खोल रहा है। तो
तो ये वाला चीज़ होम पेज है, तो होम पेज में हम कैसे करेंगे, नीचे आकर एक यूज्ड एसईओ प्लगइन डालने के बाद, तो दिखाता हूँ आपको, ये वाला तो कोड है पेज का, नीचे पूरा नीचे जाना है आपको, देखिए ये वाला लिखा है यूज्ड एसईओ लिखा है, यूज्ड एसईओ देख रहे हैं, तो ये हाँ, तो ये वाला चीज़ जो टाइटल टैग कहाँ पे आता है, टाइटल टैग इधर आता है आपका, कोड में दिखाता हूँ और पेज में दिखाता हूँ आपको, ये वाला चीज़ जो टाइटल दे, देख रहे हैं ना ये वाला चीज़ में जो इसको टाइटल टैग बोलते हैं, तो कैसे देखते हैं कोड में, कैसे देखते हैं कोड में, देख लें व्यू सोर्स क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स करने के बाद आपको एक टाइटल आएगा, टाइटल टाइटल टैग इसको बोलते हैं टाइटल टैग, ठीक है, ठीक है। तो टाइटल टैग में ये वाला सुपर विजा इंश्योरेंस एक कीवर्ड है और लाइफ इंश्योरेंस एक कीवर्ड है इसमें, उस और आपका ब्रांड नेम द सुपर विजा, ठीक है, तो इसको कैसे डालेंगे सब, ये टाइटल टैग का है, इसमें आप थोड़ा क्लिक कर देंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं, और इसको मैं ज़्यादा कीवर्ड लिखूंगा तो ये रेड हो जाए, क्योंकि देखिए अभी ग्रीन ग्रीन हुआ, देखिए रेड हो गया, क्योंकि टाइटल टैग का कैरेक्टर उसी हिसाब से लिखना है, ठीक और है। हाँ ये वाला चीज़ को लिखना है, और डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन लिखने के टाइम में आपको याद रखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड यूज हुआ है कि यूज होना चाहिए, जैसे कि सुपर विजा हेल्थ इंश्योरेंस आप, ठीक है, तो ये वाला सुपर विजा बारे में कुछ आपका चीज़ यूज होना चाहिए, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ और टाइटल में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सब कुछ स्मॉल होता है, जैसे कि ठीक है। एस का कैपिटल और सब कुछ स्मॉल, वी का कैपिटल, ये प्रोफेशनल टाइटल राइटिंग होता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट के लिए एक बटन है उसमें अपडेट कर दें, तो अपडेट करने के बाद वेबसाइट में ऑटोमेटिकली देखिए आई का स्मॉल लेटर था, अभी आई का मैं कैपिटल कर दिया, अभी देखिए वो अपडेट हो गया इधर, ठीक है, तो ये टाइटल टैग मेटा डिस्क्रिप्शन टैग आपका अपडेट हो गया, और आप इसमें फोकस कीवर्ड भी डाल सकते हैं, फोकस कीवर्ड डालते हैं, जैसे कि हमारा फोकस में कीवर्ड जो करते हैं वो सुपर विजा इंश्योरेंस है, तो मैं फोकस कीवर्ड नहीं डाला था, और इसको मैं थोड़ा डाल दूंगा अभी, सुपर विजा इंश्योरेंस ये हमारा फोकस कीवर्ड है, और कीवर्ड में सब लेटर स्मॉल होता है, अभी ये सही हुआ है, ग्रीन हो जाएगा, वो ग्रीन हो गया, ठीक है, अभी इसको अपडेट कर लेते हैं, अभी अपडेट हो गया फोकस कीवर्ड में, अभी देखिए एसईओ का जो हमारा ग्रीन कलर आ रहा है ना ऊपर में, तो ये क्वालिटी एसईओ हुआ है, इसका मतलब टूल ग्रीन दिखाता है, ठीक है, तो लगभग ये वाला पेज ऑप्टिमाइज हो गया, तो इसको हम बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका ऑन पेज बारे में, ऑन पेज में कंटेंट आपका कंटेंट कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे वो तो वाइटल है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक टूल यूज है, वो निंजा टूल है, उसको बोलते हैं निंजा टूल, निंजा टूल, निंजा कीवर्ड डेंसिटी चेकर, इसमें एक वेबसाइट का हम एक वेबसाइट का कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
यू आर थोड़ा स्लो हो रहा है इंटरनेट। हाँ जी मैं बोल देता हूँ, ये तो थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी क्या है? जैसे कि हमारा टारगेटेड कीवर्ड है सुपर वीजा इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, तो इसका जो कीवर्ड डेंसिटी एज पर द एसईओ रूल कीवर्ड डेंसिटी शुड बी 2-3%। ठीक है, ओके। तो कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है योर टारगेटेड कीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू 100। योर टारगेटेड कीवर्ड इज सुपर वीजा इंश्योरेंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड इंटू 100। तो ये कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसको हम देखेंगे कि हमारा वेबसाइट में कितना सुपर वीजा इंश्योरेंस है, कितना कीवर्ड है। सपोज मान लीजिए कि मेरा वेबसाइट में 8 टारगेटेड कीवर्ड है, ठीक है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्ड हुआ 350। तो 8 डिवाइड बाई 350 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका 80 डिवाइड बाई 35 मतलब 2 point something, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड डेंसिटी ठीक हुआ। अभी अभी देखते हैं, अभी ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं रही है? आई थिंक ये वेबसाइट और दूसरा वेबसाइट तो खुल रहा है, ये वाला वेबसाइट क्यों नहीं खुल रहा है? वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, वेबसाइट का सर्वर कुछ, हाँ सर्वर प्रॉब्लम है, हमारा वेबसाइट तो खुल रहा है। तो ये उसका फॉर्मूला है। कीवर्ड डेंसिटी तो वाइटल होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि कंटेंट इज द किंग ऑफ एसईओ। एसईओ में हम कंटेंट डुप्लीकेसी बोलते हैं, हमारा कंटेंट डुप्लीकेसी एक कॉपी स्केप का एक टूल होता है। सपोज हमारा वेबसाइट किससे कंटेंट कॉपी हुआ है, तो ये वाला वेबसाइट में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए, यूनिक कंटेंट नहीं होगा तो गूगल हमको इंडेक्सिंग में बैन कर देगा। देखिए हमारा वेबसाइट किससे कॉपी नहीं हुआ है, ये वाला चीज़ से कॉपी एक बार हुआ है, तो उसको थोड़ा हम देख लेते हैं और कहाँ पर कॉपी हुआ है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो इसको हम मुनीश सिंह को भी बताएंगे कि ये वाला चीज कॉपी हुआ है। हाँ, तो ये वाला चीज थोड़ा कॉपी हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखिए कंटेंट सेम होना नहीं चाहिए, आप डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो लिखा है कुछ, हम सेम कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, कि मॉडिफाई करके सेम सेंटेंस नहीं लिख सकते, ठीक है। ये वाला चीज कॉपी हुआ है, इसको थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले जाता हूँ और मनीष जी को भेज दूंगा कहाँ पे कॉपी हुआ है। अच्छा, ये वाला वेबसाइट आप देख रहे हैं, हमारा वेबसाइट है, इसमें लिखा है तो पेज बिलो 28 वर्ड्स मैचिंग 2% ऑफ द पेज टू हाईलाइटिंग बिलो। ये वाला पेज मैच कर रहा है, आप देखिए ये वाला चीज जो है बोल्ड लेटर में है ना, ये जो सेंटेंस, अच्छा वो वाला चीज मैच कर रहा है, ऐसे होना चाहिए। देखिए मेरा जो वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कॉपी स्कैम में चेक करूंगा, मेरा वेबसाइट में 100% कॉन्टेंट, मतलब किससे कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यूनिक कंटेंट मेरा है, देखिए ये मेरा वेबसाइट में कंटेंट जो है सब कुछ प्रोटेक्टेड बाय कॉपी स्कैप, कुछ कंटेंट कॉपी नहीं हुआ है किससे। तो आपका एक ही मतलब कंटेंट कॉपी आया है, इसको थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये वो जो लाइफ इंश्योरेंस वाला आई थिंक पेज है ना, उसमें कंटेंट है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ, हां तो हां तो इसको थोड़ा हम चेंज कर देंगे। ये वाला चीज मैं मनीष जी को मेल कर दूंगा। हां जी, सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया अभी, और सब कुछ कंटेंट ठीक ठाक है। तो एक ही कंटेंट डुप्लीकेसी हुआ है इसलिए इधर दिखा रहा है, और सब कुछ ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। और कंटेंट डुप्लीकेसी क्योंकि कंटेंट
क्यों गूगल कंटेंट डुप्लीकेट जो जो कंटेंट कॉपी करते हैं उनका वेबसाइट को रैंकिंग नहीं करता है, क्योंकि कंटेंट का जो होता है ना, जब सपोज मान लीजिए कि एक वेबसाइट पहले अप्लाई किया है उसका कंटेंट इंडेक्सिंग हो गया है गूगल में, ठीक है, तो वो उस सेम टू सेम कंटेंट को हम कॉपी करके हमारा वेबसाइट में अप्लाई करें, इसका मतलब है वो पहले से इंडेक्सिंग हो चुका है, हम तो हमारा वेबसाइट जो है कॉपी कंटेंट है, तो इसीलिए गूगल उसको हमको इंडेक्सिंग नहीं करेगा और रैंकिंग हिसाब से हमको रैंकिंग जो कीवर्ड होता है कीवर्ड में काम नहीं करेगा, क्योंकि हम चोरी करके कंटेंट लाए हैं, गूगल सोचेगा, गूगल का एल्गोरिथम सोचेगा कि हम चोरी करके कंटेंट लाए हैं, ठीक है। तो ये आपका अनपेज हो गया, और अनपेज में और अपेज का जो टेक्निक है, अपेज में बहुत सारा टेक्निक है, मैं आपको एक्सेल शीट भी भेजा था, उसमें सोशल बुक मार्किंग है, सर्च इंजन सबमिशन है, ब्लॉग कमेंटिंग है, फोरम पोस्टिंग है, बहुत सारा टेक्निक है, सो दैट कि हम बैकलिंक जनरेट करेंगे। बैकलिंक कब जनरेट करेंगे? जब हमारा वेबसाइट का जो ऑन पेज इश्यूज फिक्स होगा उसके बाद बैकलिंक जनरेट करेंगे, ठीक है। अभी तो लगभग सब कुछ तो ऑन पेज का जो इश्यूज है मैं रिजॉल्व कर दिया था, हाँ वो जो कंटेंट डुप्लीकेसी है वो नहीं था, अभी शायद कब आया मैं पता नहीं, उस टाइम पे मैं चेक कर रहा था कुछ कंटेंट कॉपी नहीं हुआ, तो अभी चेक किया, अभी मतलब 1% 2% कॉपी हुआ है, उसको थोड़ा एक लाइन को मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सेम टू सेम लाइन है, आप थोड़ा उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सिनोनिम्स डाल दूं, सेम ना लिखूं। हाँ सही है तो हो जाएगा। तो अभी बैकलिंक जो जनरेट होता है, बैकलिंक जनरेट वो वाइटल होता है, हम कैसे देखिए, बैकलिंक क्वालिटी क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मैं वीकली ज़्यादा बैकलिंक जनरेट करूँगा, ज़्यादा बैकलिंक जनरेट करूँगा तो मेरा वेबसाइट टॉप में आएगा, ये नहीं है। बैकलिंक जो करेंगे क्वालिटी का, मैं रिपोर्ट जो पहले भेजा था मैं वो भेजा था, मैं इस वीक में इसीलिए रिपोर्ट नहीं बनाया, इसलिए वेट किया, क्योंकि गूगल को भी टाइम देना चाहिए वो इंडेक्सिंग करने के लिए, वो भी टाइम लेता है कि इंडेक्सिंग होगा, तो हम सोचेंगे कि हम ज़्यादा खा देंगे, खाने के बाद हम ताकत आ जाएगा, तो वो नहीं है। एक एक वीक हमको पर्च करना पड़ेगा और वेबसाइट को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, कीवर्ड स्टेटस वेबमास्टर टूल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एनालिटिक्स में उसका रैंकिंग इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल ऑन पेज का हुआ। ऑन पेज में आप जो टूल बोला था मैं इसमें, हाँ ये वाला टूल आप देखिए, बैकलिंक हमारा बहुत 29 बैकलिंक है, इसमें बैकलिंक हमारा इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए बैकलिंक स्कोर बैड है, और बैकलिंक काउंटर में इम्प्रूव हुआ है। बैकलिंक काउंटर में सपोज हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए, ये बैड गुड हो सकता है, पहले से तो बैकलिंक काउंटर भी बैड था, अभी बैकलिंक काउंटर में 29 हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। और सोशल मीडिया, अरे नहीं, ये हमारा वेबसाइट नहीं, इसको थोड़ा हम चेक करते हैं, हमारा वेबसाइट पे भी इम्प्रूव है, दिखाता हूँ। देखिए टूल कभी कभी गलत दिखा देता है, मैं बोल रहा था ना आपको, मैं आपको बोल रहा था टूल गलत दिखा रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग दिखा रहा है कि हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है। हाँ टूल देखिए, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टूल गलत दिखाता है, तो उसमें ओरी होने का नहीं है, टूल ओनली फॉर मतलब एक कंफर्मेशन, कुछ नहीं है, ऑल्ट में कुछ इमेज में मिसिंग नहीं है, ठीक है, ब्रोकन लिंक नहीं है, देखिए इसमें दिखा रहे हैं साइड मैप एक्समेल नॉट फाउंड, हमारा साइड मैप है, देखिए तो टूल में ओरी होना नहीं है, तो उसमें सब कुछ सही है, 404 पेज है, सब कुछ ग्रीन है, मैक्सिमम ग्रीन है, और गूगल एनालिटिक्स नहीं अप्लाई हुआ है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स अभी हम अप्लाई कर देंगे, अभी दिखा दूंगा आपको कैसे गूगल एनालिटिक्स अप्लाई करेंगे। देखिए बैकलिंक स्कोर में क्या है, अब देखते हैं,
अभी बैकलिंक स्कोर में उस मैं जब शुरू किया काम उसमें बैड था, अभी देखिए क्या लिखा है, फेयर ना। क्लियर। हाँ तो उसका मतलब इम्प्रूव हो रहा है, बैकलिंक देखिए कितना है। ठीक है तो अभी अभी मेन चीज है सोशल मीडिया में एंगेजमेंट करेंगे। मैं मनीष जी के साथ बात करूंगा सोशल मीडिया के लिए, कुछ अपडेट करेंगे क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया में मैक्सिमम फेसबुक में 4 शेयर हुए, ज़्यादा शेयर नहीं है। ठीक है और सोशल मीडिया ट्विटर और लिंक्डइन इस सब में थोड़ा शेयर करेंगे, ये वाला चीज़ मैं बोलूँगा। और हाँ तो इस ये हो गया आपका ऑन पेज का एनालिसिस। तो अभी हम जाते हैं कि कैसे हम गूगल एनालिटिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है गूगल एनालिटिक्स के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स किस लिए यूज होता है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है इसमें एडमिन को जाएंगे, ये दूसरा वेबसाइट का है तो हमारा वेबसाइट का क्रिएट करेंगे हम वेबसाइट अकाउंट नेम, थोड़े चेक कर देंगे कि सुबह एनालिटिक्स अप्लाई हुआ ही नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कंफर्म फॉर कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है तो एडमिन को जाना है, क्रिएट अकाउंट, इसमें वेबसाइट मोबाइल ऐप के लिए मोबाइल ऐप क्लिक करेंगे, वेबसाइट के लिए वेबसाइट क्लिक करेंगे, तो इसमें हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो सुपर पेजा, और वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम है द सुपर पेजा, और दिस इज द यूआरएल, यूआरएल इज इसमें हम चूज करेंगे एचटीटीपी है एचटीपीपीएस है एचटीटीपी एचटीपीएस है, तो HTTPS हो गया। तो इसे नाम डालेंगे www.thesuperpizza.com। ठीक है तो कौन सा कैटेगरी का है, ये है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का नहीं है तो हम बिजनेस डाल सकते हैं। तो कंट्री कौन सा कंट्री का है, कनाडा का है। ठीक है हाँ जी। तो उसका गेट ट्रैकिंग कोड एक देना होगा, तो उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सक्सेस, तो गेट ट्रैकिंग कोड हुआ। तो अभी ये वाला जग स्क्रिप्ट जो है ये जनरेट हो गया। ठीक है तो इसको हम जाकर वेबसाइट में कैसे अप्लाई करेंगे सो दैट कि हमारा एनालिटिक्स कंफर्मेशन होगा। तो इसमें जाकर हम अपीयरेंस को जाएंगे, एडिटर को जाएंगे, ठीक है तो इसमें एक आएगा पेज का नाम आएगा हेडर डॉट पी एच पी। ठीक है अभी लोडिंग हो रहा है, हाँ आ गया। अभी हम फुटर में ऐड कर सकते हैं, हेडर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है
तो देखेंगे कि कहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ऐड हुआ है, पहले चेक करेंगे हेडर। हेडर प्राइम फाइल को क्लिक किए तो हेडर मेन को क्लिक करेंगे, किसमें हेडर मेन को कॉल हुआ है, हेडर सिंगल एंड हेडर मेन। तो हेडर मेन में ये आ गया आपका हेडर पार्ट। तो इसमें स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हुआ है तो हम फुटर को जाएंगे। फुटर आ गया फुटर पार्ट आपका, ये वाला चीज फुटर पार्ट है। इसमें से स्टाइल लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट लास्ट को लिखा होगा, हाँ स्क्रिप्ट, ये वाला स्क्रिप्ट लिखा है। तो स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट आ रहा है, शुरू है स्क्रिप्ट एंड है, तो इसका नीचे हम डाल सकते हैं ये वाला स्क्रिप्ट को। इधर से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। ये है एनालिटिक्स का आईडी है आपका, तो इसको अपडेट कर देंगे आप। तो फाइल फाइल सक्सेसफुल अपडेटेड, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेक करेंगे वेबसाइट में, गूगल एनालिटिक्स अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, वेबसाइट को जाना है और कंट्रोल यू करके व्यू सोर्स करना है, और यूए यूए क्लिक करना है, यूए 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 दैट आईडी, आईडी इक्वल टू दिस वन। तो आप देखिए ये वाला चीज आ गया इधर, ठीक है, स्क्रिप्ट एंड ऑफ स्क्रिप्ट ये वाला चीज, ठीक है। तो ये वाला को अप्लाई नहीं करना था, ऊपर में जो था, अच्छा ये वाला चीज को अप्लाई नहीं करना था। कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको अप्लाई करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी सुपरविजा का ऑल वेबसाइट आ गया, इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं होम में जाकर। ये देखिए इसमें आप एक्टिव यूजर देख सकते हैं, अभी हम सुपर वीजा का विजिट कर रहे हैं इसलिए एक्टिव यूजर देख रहा है। रियल टाइम यूजर देख सकते हैं, ऑडियंस देख सकते हैं उसको, कौन सा लोकेशन से ऑडियंस विजिट किया है, कि कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, गोल सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा, कौन सा मोबाइल मोबाइल में कितना यूजर आ रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, न्यू एंड रिटर्निंग यूजर क्या है। तो ये गूगल का एनालिटिक्स है, इसमें हम तो थोड़ा मतलब उसका ट्रैफिक कितना यूजर आ रहा है सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और वेमेस्टर टूल और गूगल एनालिटिक्स में डिफरेंस यही होता है, वेमेस्टर टूल में गोल सेटिंग नहीं होता है, इसमें गोल सेटिंग कर सकते हैं, टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी होता है, इसमें कन्वर्सन भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑली आपका गूगल एनालिटिक्स है। तो ये वाला चीज़ आपका वेबसाइट में अप्लाई हो गया। तो बेसिकली ये ऑन पेज है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑफ पेज बारे में डिटेल बताऊंगा, कैसे ऑफ पेज करते हैं, कैसे सोशल बुक मार्किंग बनाते हैं, कैसे सर्च इंजिन सबमिशन करते हैं, कैसे कैसे ब्लॉग का रूल क्या है, ब्लॉग को कैसे लिखने के लिए प्रोसीजर क्या है, टाइटल का टैग कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, कैसे इंटरनल लिंक बनाएंगे, और उसके बाद मैं बोलूँगा फोरम्स कैसे क्रिएट करेंगे, ब्लॉग कमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब पेज का मैं बहुत सारा टेक्निक आपको बताऊंगा। ठीक है सर, मैं आपको ये ओके, वीडियो भी चल रहा है, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, कोई कुछ डाउट होगा फिर से आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, देख ठीक है सकते सर, हैं। थैंक ओके सर, थैंक यू। यू।